नमस्ते साथियों, हमारी नॉलेज सीरीज के अगले सेशन में हम आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, द डिमांड्स टू रिमूव शी जिनपिंग इन चाइना। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है कि चीन में शी जिनपिंग को पद से हटाने की मांग धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। नमस्ते साथियों, मैं हूँ संदीप मानुधने और अब हम अगले 10 मिनट में समझेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और किस प्रकार से ये मांग आ रही है और क्या वाकई में ऐसी कोई मांग है भी या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इस मुद्दे को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले चीन में 1949 जब से वो एक कम्युनिस्ट नेशन बना वहाँ से आज तक की पूरी यात्रा और उनकी नेतृत्व की 5 पीढ़ियाँ कौन सी रही। उसके बाद बात करेंगे 2012 से शी जिनपिंग के आने के बाद जो उन्होंने पूरा पावर का कंसोलिडेशन किया। उसके बाद 2018 में जब उन पे टर्म लिमिट्स हटा ली गई और उनको परमानेंटली प्रेसिडेंट बना दिया गया कि भाई कायनात के अंत तक अब आप ही राष्ट्रपति रहोगे, उसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, मतलब एक साइलेंट रूप में द कोरोना वायरस स्प्रेड, फिर अंत में आ गया कोरोना वायरस और फिर फाइनली रीसेंट रिवोल्ट्स एंड डिमांड्स। आइए समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी तक 5 पीढ़ियां नेतृत्व की चीन में आई है। 1949 में एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद माओ ज़ेडोंग ने कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया था। चियांग काईशेक भाग के ताइवान चले गए और वहाँ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान बन गया और इसलिए ताइवान का चाइना का उस दिन से झगड़ा चल रहा है। तो सबसे पहले नेता थे माओ ज़ेडोंग, ये 1976 में इनकी मौत हुई। उसके बाद सत्ता आई डेंग शाओपिंग के हाथ में। डेंग शाओपिंग ने ही चाइना को मॉडर्न बनाया, वो रिफॉर्मर थे। 1979 से उन्होंने देश को आर्थिक उन्नति के रास्ते पर वो ले गए। उसके बाद जियांग ज़ेमिन थे, फिर हु जिनताओ थे और अंत में आए शी जिनपिंग। ये 5 नाम आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें बड़ी बात यह है कि चीन की आज की पूरी ताकत, आज वो $14 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बना है, 1976 में जब माओ ज़ेडोंग की मौत हुई तो 1949 से 1976 का पूरा पीरियड वो द डार्क पीरियड फॉर चाइना। चाइना का वो एक बहुत ही डार्क पीरियड रहा क्योंकि माओ ज़ेडोंग को देश चलाना नहीं आता था। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी तो थे, उन्होंने विजय दिलाई कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन देश को आधुनिक कैसे बनाना, आगे कैसे ले जाना, ये उनको समझ नहीं थी। एंड चाइना वॉज कम्प्लीटली रेविस्ट एंड डिस्ट्रॉयड, लेकिन पर्सनैलिटी कल्ट था, उनके सामने किसी की जुबान चलाने की हिम्मत नहीं होती थी, अदरवाइज खेल खत्म। तो प्यारे साथियों, डेंग शाओपिंग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। तो जहां एक और उन्होंने 1989 में आप जानते हैं थियानमेन स्क्वायर मैसेकर करवाया, हजारों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो डेमोक्रेसी मांग रहे थे उनके ऊपर टैंक चलवा दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया। उनकी पर्सनैलिटी के अलग अलग पहलू थे। एक तरफ वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल थे, बच्चों के ऊपर टैंक चला देना थियानमेन स्क्वायर में से का 1989, और दूसरा था कि वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोगों की बहुत सुनते थे। एक्सपेरिमेंटल पॉलिसीज आती थी, जिस व्यक्ति के आइडियाज उनके अपने अपने प्रांत में चीन के इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो गए उसको पूरे चीन पे लागू करते थे। ये सब उनकी हिडन आस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के। एनीवे, और वर्तमान में है शी जिनपिंग 2012 में, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुना और इस पद पर बिठाया। तो 15 नवंबर 2012 को ये दो बड़े पदों पर बैठे, समझ में आया आपको। और चाइना में जो बिल्कुल सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी होती है और उसमें जो पोलित ब्यूरो होता है उसके 6, 7 या 8 लोग मिलकर पूरे देश को चलाते हैं। तो अगर आपको बारीकी से समझना है कि चाइना की पूरी कहानी 1949 से अभी तक क्या रही, तो ये उसका एक बहुत ही खूबसूरत इन्फोग्राफिक है जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से चाइना में एक सबसे बड़ा जो लीडर होता है, सुप्रीम लीडर की बात करते हैं, जो सारे झगड़ों का फाइनल समाधान देगा, वो पहले माओ ज़ेडोंग रहे सबसे लंबे समय तक मृत्यु तक, फिर डेंग शाओपिंग रहे, फिर बहुत लंबे समय तक जियांग ज़ेमिन रहे, और वर्तमान में शी जिनपिंग है, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्सनैलिटी कल्ट बना लिया है। जबकि डेंग शाओपिंग ये बोल के गए थे कि 10-10 साल के लिए नेता आएंगे। जियांग ज़ेमिन 10 साल के लिए आए, हु जिनताओ 10 साल के लिए आए, और शी जिनपिंग को भी 2012-13 से 2022 में जाना था, लेकिन अब तो वो ऐसा बिल्कुल कुंडली मार के बैठ गए कि भैया मैं तो हिलने वाला नहीं हूँ, अंगत का पांव रख दिया मैंने तो, और इसलिए उनके खिलाफ बहुत विरोध हुआ। लेकिन शी जिनपिंग ने क्या गेम खेला, उन्होंने खुद का कल्ट इतना मजबूत कर लिया कि सब तरफ पोस्टर लगे हैं जिसमें वो डेंग शाओपिंग से भी बड़ा दिखाई देते हैं। वर्तमान में वो सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास ये 3 महत्वपूर्ण पद है। देखिए, चाइना एज अ सिस्टम, पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी का बॉस होना पड़ेगा, जनरल सेक्रेटरी, फिर वहाँ की मिलिट्री का बॉस होना पड़ेगा, चेयरमैन ऑफ CMC, और फिर उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट ऑफ चाइना, यानी बाकी दुनिया के साथ जो इंटरफेस करेगा, उसका आपको राष्ट्रपति होना पड़ेगा। तो शी जिनपिंग बेसिकली जनरल सेक्रेटरी भी हैं, चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं,
और 2018 में उनके ऊपर से संविधान में, वहां पर एक संविधान है तो सही चीन में, हालांकि उस संविधान की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पार्टी ही सुप्रीम है, जजेस जुडिशरी कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई ऑर्डर देने की हिम्मत ही नहीं करते, तो संविधान की कोई ताकत ही नहीं। जैसे आप भारत में जानते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं सुनता, संविधान के रास्ते में कोई भी आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उठाकर उसको फेंक देता है ना, ऐसे ही करता है ना। तो प्यारे दोस्तों, चाइना में ऐसा नहीं होता है। तो ये सुप्रीम लीडर के टाइटल्स हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी गलती बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि इफ ही कमिट्स अ मिस्टेक द चांसेस आर दैट बिकॉज ही एंजॉय सुप्रीम अथॉरिटी ही विल ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू सुप्रीम क्रिटिसिज्म। ये फंडा समझ में आया कि नहीं आपको? और ये वहां की जो पोलित ब्यूरो होती है, पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकल स्टैंडिंग कमिटी जिसको कहते हैं पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी, ये 7 लोग मिलकर पूरे चीन को चलाते हैं, इनके पास सारी ताकत है। अब शी जिनपिंग ने क्या किया, इससे पहले कि वुहान कोरोना वायरस, चाइनीज कोरोना वायरस ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया, उन्होंने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था। तो आज जो मांगे उठ रही हैं ये बेसिकली उन सब लोगों की तरफ से भी है जो इनसे बहुत बुरी तरह खार खाए बैठे हैं बहुत लंबे समय से। तो इन्होंने क्या किया, पार्टी में डिसिप्लिन लाने के लिए और पूरे देश में सो कॉल इंटरनल यूनिटी लाने के लिए उन्होंने इतना जबरदस्त एक डिस्टोपियन टोटलिटेरियन सर्वेलांस पुलिस स्टेट बना दिया कि हर इंडिविजुअल सिटीजन के ऊपर नजर रखी जा रही है, सोशल क्रेडिट स्कोर दिए जा रहे हैं। आप कुछ भी टाइप करते हैं किसी भी सोशल मीडिया में चाइना के, तो खुद का फेसबुक, खुद का गूगल, खुद का ट्विटर, खुद का सब कुछ है। उन्होंने तो बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर हम अमेरिका पर डिपेंडेंट रहें तो एक तो उनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं, और दूसरा मतलब चाइनीज को, और दूसरा हमारी खुद की कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए चाइनीज ने अपनी खुद की सारी ब्रांड्स बना ली जो आज भारत को बनाने की बहुत आवश्यकता है। तो उस सब की सेंसरिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, ये काफी एग्रेसिव चाइनीज नेशनलिस्ट हैं। सिविल सोसाइटी के राइट्स बहुत बुरी तरह से कर्टेल कर दिए गए, सेंसरशिप कर दी, फॉरेन पॉलिसी बहुत एग्रेसिव है, साउथ चाइना सी में सब तरफ आर्टिफिशियल आइलैंड बना के मिसाइलें तैनात कर दी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 से लाए जो पूरे यूरेशिया को कनेक्ट कर रहा है, और एक कल्ट ऑफ प्रेसिडेंसी बना ली। अब आप जानते हैं कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, अब आप जानते हैं 2018 में इनके ऊपर से टर्म लिमिट्स भी सारी हटा ली गई, तो मतलब ये परमानेंट यानी कायनात के अंत तक राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन उस कायनात का अंत थोड़ा जल्दी हो गया, वहां के फ्रेश मीट मार्केट में एक ऐसा वायरस आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। कहां से आया, कैसे जंप करके आया, किसी को नहीं पता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दुनिया भर की ये कहती हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, एकदम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पिंच ऑफ सॉल्ट या बैगफुल ऑफ सॉल्ट के साथ लिया जाना चाहिए कि भाई इन्होंने ही बनाया और इनसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, या इन्होंने बनाया एंटीबॉडी भी बना ली सारी दुनिया में फैला लिया अब यही बचेंगे बाकी सब मर जाएंगे। वो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, किसी को सच पता नहीं है उसमें। चांसेस आर कि वाकई में इन लोगों के भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जब ही आया तो शी जिनपिंग की पूरी पुलिस ने और सिस्टम ने क्या किया, सबसे पहले वुहान में जिन लोगों ने रिपोर्टिंग करना शुरू की थी प्यारे साथियों इस अजीबोगरीब नए निमोनिया की जिसमें लोगों की मौतें होने लग गई थी, वो सारे डॉक्टरों को धर दबोचा, उनके ऊपर एंटी नेशनल होने के केसेस कर दिए कि तुम लोग सब रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हो, तुम लोग एकदम नेगेटिव माइंड के लोग हो, तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब वो डॉक्टर बोल रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव छोड़ो, यहाँ लोग मर रहे हैं और रोज भर भर के लोग आ रहे हैं और इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल तरीकों से कोई इलाज नहीं हो रहा, नहीं होना क्या। और वो सारे डॉक्टर्स पकड़े गए, उन पे केस हो गए, और फाइनली जनवरी में शी जिनपिंग ने स्वीकार किया कि हाँ चीज़ें तो गड़बड़ हैं। WHO को काफ़ी समय तक गलत जानकारी भी दी गई, WHO डरा डरा सा भी रहा, ऐसे भी आरोप WHO पे लगे हैं कि इट डिड नॉट रियली फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी द वे इट हैज़ बीन डूइंग इन अफ्रीका फॉर एग्जांपल। बहुत लेट पैंडेमिक घोषित किया जिसकी वजह से भारत जैसे कई देश मिस इन्फॉर्म रह गए 2 महीने तक। स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं, जो पूरा हुबेई प्रोविंस है वहाँ के लाखों लाखों लोगों में सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है, और ये बीमारी तो पूरे चाइना में फैली है ना, ऐसा थोड़ी कि केवल एक ही जगह है, बहुत सारी आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एंड मेडिसिन, ये US की जो यूनिवर्सिटी है प्यारे दोस्तों, उसका पूरा का पूरा ये एक चार्ट है कि किस प्रकार चाइना में सभी प्रोविंसेस में ये वायरस और इससे होने वाली मौतें, बीजिंग में भी लोग मरे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये वायरस पहुँचा नहीं है, आपको काफ़ी सारी गलत जानकारी अभी मिल रही होगी, ध्यान रखिएगा बीजिंग में भी ये पहुँचा और वहाँ भी मरे हैं। तो इन्होंने सारी चीज़ों को दबा दिया, और इनफैक्ट ये मेरा पूरा शक है कि बीजिंग और शंघाई में काफ़ी व्यापक स्तर पर फैला होगा, लेकिन अपनी साख बचाने के लिए और लोगों में पैनिक नहीं होने के लिए इन्होंने सब कुछ पूरी तरह से क्रश कर दिया होगा। द काइंड ऑफ लॉकडाउन दे हैव डन इज एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि जिन जिन लोगों को इन्होंने दबाया पिछले 7 सालों में, वो सब आज बहुत आउटराइट डिमांड करने लग गए कि शी जिनपिंग को हटाया जाए। ऐसी डिमांड करने वाला सबसे बड़ा नाम है आपके सामने चाइनीज रियलिटी टाइकून रेन
जी क्वांग, रेन जी क्वांग साहब ओपनली ये बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग एक जोकर है और अपने आप को राजा समझते हैं. ही हैज कॉल्ड शी अ क्लाउन एंड एन एम्परर. उन्होंने बहुत बुरी तरह से डेप्रिकेट किया शी को कि जिस तरह से इन्होंने ये किया है न्यूमोनिक प्लेग को हैंडल, ये तो गद्दारी है. उन्होंने एक पोस्ट लिखी जो वायरल हो गई, एन ऑफिशियल कॉल टू आर्म्स अगेंस्ट शी द क्लाउन हु इंसिस्ट ऑन वेयरिंग द एम्परर्स न्यू क्लोथ. कितना खतरनाक टाइटल है. उन्होंने कहा है कि मैं आधिकारिक तौर से विद्रोह की मांग कर रहा हूं शी जिनपिंग के खिलाफ, क्योंकि ये एक जोकर है जो राजा के कपड़े पहन के घूम रहा है और ये पूरे देश को तबाह करता चला जा रहा है. नेचुरली उसके बाद वही हुआ जो होता है चीन में. इस सज्जन को पुलिस उठा के ले गई और इस सज्जन को वहां से गायब भी कर दिया गया. शी जिनपिंग ने इस सज्जन को उठवा लिया और इनको कह रहे हैं कि 15 साल की जेल हो गई है. लेकिन अब यहां पर आप ये फ्लैट ग्राफ देख रहे हैं. हेल्थ अथॉरिटीज ये कह तो रही हैं कि भैया आप कोई भी नए ये नहीं आ रहे हैं केसेस, तो चीजों को हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है. लेकिन वहां रहने वाले लोगों की खबरें ये है, उनका कहना है कि हमें बहुत डर है कि ये सब कुछ फिर से कहीं स्पाइक नहीं हो जाए. और ये साहब को रेन को पकड़ के अंदर कर दिया गया है. लेकिन बहुत व्यापक स्तर पर लोग दबी जुबान में बोलने लग गए हैं कि शी जिनपिंग में वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी क्राइसिस को कंट्रोल कर सके. प्यारे साथियों, तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक वायरस ने बहुत सारे दबे हुए गुस्से को एक लावा का रूप प्रदान करने का काम किया है. लेकिन क्या फाइनली इस सब की वजह से शी जिनपिंग वहां सत्ता से हटेंगे? चाइना का पिछले 2500 साल का इतिहास देखे तो कम से कम 3 से 4 डायनेस्टीज ऐसी रही हैं जब महामारी फैली तो लोगों की पूरी मन में जो रिस्पेक्ट थी राजा और एम्परर के प्रति, वो रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गई थी और इसलिए वो पूरे डायनेस्टी समाप्त हो गए. शी जिनपिंग इस सबक को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे और शायद आने वाले दिनों में हमें ये पता चलेगा कि अगर ये क्राइसिस फिर से वहां फैलती है तो शायद ये अपदस्थ भी हो सकते हैं, या शायद नहीं होंगे तो एक नया ब्रूटल राउंड ऑफ सप्रेशन ही शुरू होगा. तो साथियों, आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और आप कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं मैं कवर करूं मेरे साथ आप डिस्कस करते चलिए. तो ये नॉलेज सीरीज हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आप इतना समर्थन दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. नमस्ते, जय हिंद.